अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो मैं बना रही हूँ आज चिकन तंदूरी ब्रेड बॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन कीमा लिया है, तो इसमें डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा दही ले लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब होगा ये दही, इसको डाल देंगे, 1 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून नमक हसबे जायका, 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून फूड कलर, 2 लेमन का जूस। इन सबको मिक्स कर लेंगे। कवर कर देंगे और 30 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे इसे। 30 मिनट हो चुके हैं इसे, एक मरतबा दोबारा मिक्स कर लेंगे। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पैन में डाल दूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल दूंगी कीमा जो हमने मैरिनेट करके रखा था, चिकन कीमा जो मैरिनेट करके रखा था। इसे 3 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। मैरिनेशन करते वक्त जो दही हमने डाला था, ये देखिए उसका पानी निकलना शुरू हो गया है, और इसी पानी में मैं लो फ्लेम पर पकाऊंगी 15 मिनट कवर करके। इसे पकते हुए लो फ्लेम पर 20 मिनट हो चुके हैं। अब इस तरह से एक मतलब मिक्स कर लूँगी, और ये देखें अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता, इसे बारीक बारीक काट लिया है। 1 अदद प्याज लिए, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और 1 अदद हरी मिर्च लिए, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अगर ये बच्चों को दें तो इस हरी मिर्च को आप स्किप कर दीजिएगा। इसमें तो ये डाल देंगे, हरी मिर्च, प्याज, धनिया पत्ता। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें एक बाउल रख दूँगी, इसको स्मोक देना है हमने, स्मोक देना है। तो इसमें एक प्याली रख दी है, कोयले को मैंने प्री हीट कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे कवर कर देंगे, और इसे 10 मिनट तक ऐसे स्मोक देने देंगे हम। इसे स्मोक दे दिया हमने, ये निकाल देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। तो यहाँ देखिए थोड़े से मैंने ब्रेड बॉल बनाने के लिए ब्रेड ले लिए हैं, और ब्रेड के जो ये ब्राउन पार्ट्स हैं इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह सारे ब्रेड के जो हम ब्राउन पार्ट्स होंगे उसको काट लेंगे। तो ये देखिए सारे ब्रेड के जो ब्राउन पार्ट्स है उसे हमने काट लिया है, और जो ब्राउन पार्ट्स हमारे पास थे इसके हम क्रम्स बना लेंगे। तो अब हम ब्रेड बॉल बनाना शुरू करेंगे। ब्रेड बॉल बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए मैंने पानी लिया है, पानी में मैं डाल दूँगी ब्रेड। ब्रेड को डिप कर लेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे इस तरह से। इसमें जो हमने तंदूरी चिकन तैयार किया था इसकी फिलिंग कर लेंगे। ये फिलिंग इसमें डाल देंगे और इसे बंद कर लेंगे। तो इसी तरह मैं सारे ब्रेड बॉल बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे ब्रेड बॉल बनाकर तैयार कर लिए हैं मैंने। यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, और अंडे में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, और थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो पहले हम ब्रेड बॉल को हम अंडे में डिप करेंगे, इसके बाद इस पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इसे प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह मैं सारे ब्रेड बॉल की कोटिंग कर लूंगी। तो यहां पर मैंने सारे ब्रेड बॉल की कोटिंग कर ली है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म होने देना है। तो ये देखिए ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, इसमें मैं ब्रेड बॉल डाल दूंगी और इसे दोनों तरफ से फ्राई कर लूँगी। ये सारे बॉल्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लूँगी। इसी तरह मैं सारे बॉल्स फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही मज़े के हमारे ज़बरदस्त से तंदूरी ब्रेड बॉल बनकर तैयार हो चुके हैं। इस रेसिपी को आप इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको यह रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।